नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूँ आपके साथ शालीन कुमार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय आएंगे। अभी मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आपको बताते चले, पहले का जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का, वो डेढ़ घंटा कम कर दिया गया। पहले करीबन 7:30 बजे उनको आना था, अब कुछ ही मिनट में ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच सकते हैं। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जांच करके अंदर सुरक्षा जो है वो निकल रहे हैं बाहर। कुछ ही क्षणों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। पटना एयरपोर्ट उतरेंगे वो सीधे सुशील मोदी जी। कुछ दिन पूर्व ही जो कैंसर से लंबे समय से पीड़ित थे, बिहार बीजेपी के नेता थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी बिहार में रह चुके, लंबे वर्षों तक के बीजेपी का नेतृत्व किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके बिहार बीजेपी के, उनके मरणोपरांत नरेंद्र मोदी उनके निजी आवास जाएंगे और उनके परिजन से मिलेंगे, उनकी पत्नी से मिलकर संतावना देंगे। मरने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी सुशील मोदी के निजी आवास पर जाकर संतावना देंगे। उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति की एक बैठक होनी है, बीजेपी में बैठक होनी है। आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर लेगी। पूरे जो वीर चंद पटेल का रोड का दृश्य आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दोनों तरफ बैरिगेट कर दिया गया। आप वह बैरिगेट देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सुरक्षा पुलिस छावनी में तबदलित, आपका वीर चंद पटेल रोड कर दिया गया है, पूरी पुलिस छावनी में तबदलित कर दिया। फिर से आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर के रुख की ओर कहूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए कि देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षाकर्मी जो जांच करने वाले हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं। लोगों को एक एक लोग को जितनी भी एंट्री है सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है। दोनों तरफ से बैरिगेटिंग कर दिया गया है बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफ़ा बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें 8 दिनों में दूसरी बार पटना बिहार आ रहे हैं और पटना की धरती पर वो आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। आज अब कुछ ही मिनट में वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इनका कार्यक्रम था जो एक घंटा अब कम कर दिया गया। पहले का कार्यक्रम निर्धारित था 7:30-8 बजे तक के आना था, अब वो कार्यक्रम घटाकर 6:30-7 बजे तक का कर दिया। 1 घंटे का कार्यक्रम अब कम कर दिया गया है SPG सुरक्षा कारणों से, वो जो कारण था। अब कुछ ही मिनट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर आने का मुख्य कारण चुनाव प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे। उससे पहले कैंसर से पीड़ित, लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निजी आवास राजेंद्र नगर जाएंगे, वहां पर उनके परिजनों से मिलेंगे, संतावना देंगे। उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचेंगे जहाँ पर चुनाव प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे। अब से मात्र कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच सकते हैं। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।